चलिए रुख करते हैं ग्लाली गांव की ओर और जानने की कोशिश करते हैं आखिर सांसद संजय सेठ को ग्लाली गांव आने से क्यों रोका गया, आखिर ग्रामीणों में इतना आक्रोश क्यों है, क्यों वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि को अपने गांव में आने नहीं देते। नमस्कार, मैं लीजा सिंह और आप देख रहे हैं TV 45। TV 45 हमेशा जिन खबरों को दिखाता है उन खबरों में हम जमीनी हकीकत यानी कि जो ग्राउंड है उसकी सच्चाई तक को आप तक पहुंचाते हैं, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन फिलहाल जो कल एक मसला सामने आया है, एक मामला सामने आया है, रांची सांसद संजय सेठ जिनकी लोकप्रियता की जो चर्चाएं हैं वो लोगों में छाई रहती है, वो लोकप्रिय सांसद के रूप में जाने जाते हैं रांची में। लेकिन रांची की क्या जो जनता है या रांची से सटे ग्रामीण इलाकों की जो जनता है वो संजय सेठ से खुश है? जी, सवाल ये जहन में इसलिए उठता है क्योंकि दरअसल कल एक कार्यक्रम के तहत संजय सेठ को एक गांव आना था और उस गांव में संजय सेठ के प्रति आक्रोश नज़र आया, सांसद को वहां जाने नहीं दिया गया, उनके कार्यक्रम को रोक दिया गया और ऐसे में हम उसी गांव में फिलहाल मौजूद है। राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे खिजरी विधानसभा में एक ग्रामीण इलाका, एक गांव जिसका नाम है लाली। यहां की जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पे आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं मौजूद है और इन्होंने जिस तरीके से सांसद संजय सेठ को लेकर के आक्रोश दिखाया है, इन तमाम चीज़ों को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सांसद संजय सेठ जिनकी लोकप्रियता की चर्चे पूरे तरीके से छाए रहते हैं, उसकी गूंज दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ जो आलम है ये ग्रामीण आखिर क्यों है परेशान। चलिए जुड़ते हैं इनसे। सांसद संजय सेठ जो कि रांची के सांसद और इन्हें लोकसभा का एक बार फिर से टिकट दिया गया है, लेकिन आपकी जो गांव के लोग हैं वो खासा नाराज़ हैं। नाराज़ होने का कारण भी बनता है क्योंकि 5 साल इनका सांसदीय क्षेत्र रहा, 5 साल में एक बार भी इस क्षेत्र में नहीं आए और अभी जब इनका जब नॉमिनेशन हुआ सांसद के लिए तो अभी ये शमशान घाट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। इनको एक रोड का भी शिलान्यास नहीं करा और रास्ता इतना ख़राब है यहाँ लाली पंचायत लाली के लिए, जो रांची जाने के लिए रास्ता, जो भी रास्ता है सारा का सारा रास्ता ख़राब है। कभी रात में ग्रामीण अगर काम करके लौटते हैं शाम के टाइम में तो उनको कभी कभी गिर जाते हैं, गिरने का ये होता है, कभी चोट लग जाता है उनको। ये कारण सारी हमारी रोड की समस्या को लेकर के है। जब रोड ही नहीं बनेगा हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं मिल पाएगी तो शमशान घाट का हम क्या करेंगे? क्योंकि कल के डेट में हम लोग के पास भी शमशान नहीं था, आज शमशान शेड बना करके ऐसा नहीं है कि वो हमारे पर एहसान कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले चाहिए रोड का, कि अगर रोड का शिलान्यास करेंगे तो रोड के लिए हम उनका स्वागत करेंगे कि ठीक है आप हमारे लिए रोड बना रहे हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन शमशान घाट, और जब अभी फिलहाल में चुनाव है तभी आप शमशान घाट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। 5 सालों में सांसद संजय सेठ का आगमन इस गांव में नहीं हुआ और ऐसे में इन लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। इनका कहना है साफ तौर पे कि शमशान घाट के शिलान्यास में सांसद संजय सेठ पहुंचते हैं, ग्रामीण इलाकों का रुख करना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे में सबसे ज़रूरी जो सुविधाएँ हैं वो है सड़क, पानी, बिजली, इन तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं ये लोग। आने के दरमियान जो परेशानियां हमें भी झेलनी पड़ी, TV 45 ने जो ज़मीनी हकीकतें देखी हैं वो आप तक बिल्कुल पहुंचाऊंगी और आपको बताऊंगी तो आप चौंक पड़ेंगे कि क्या कुछ रहा। जब राजधानी रांची की चमचमाती सड़कों से TV 45 की टीम निकली तो उस दौरान नामकुम को जब पार किया गया और टाटा रोड से बस एक कच्ची सड़क की ओर इस टीम ने रुख किया, जिसमें मेरे सहयोगी पिंटू भी हमारे साथ मौजूद रहे। कई कठिनाइयां रही और उस कठिनाइयों चुनौतियों के बीच भी हमने इस गांव को खोज लिया। इस गांव के लोग हैं परेशान क्योंकि इन्हें जिस तरीके की परेशानियां, इन्हें जो चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है वो आज हमने भी देखा। ज़मीनी हकीकत ये कहती है कि इस गांव में सड़कें नहीं हैं। इस सड़क की अगर बात की जाए
तो वाकई यहाँ किसी का आगमन नज़र नहीं आता है। और भी यहाँ जो लोग हैं, चलिए उनसे जुड़ते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है। जब पढ़ाई करते हैं, पहले ये बताइए, पढ़ाई कर लिए, खत्म हो गया? जब आप सड़कों पे यहाँ अपनी सड़क का रुख करते हैं, जाते हैं, तो क्या परेशानियाँ होती हैं? आप लोग तो देख ही चुके हैं रोड कैसा है। ये आज से नहीं, बहुत दिन पहले से है, कम से कम 8-9 साल 12 साल तक हो चुका होगा शायद। 12 साल हो? हाँ, उसके बाद कभी इसका कुछ हुआ ही नहीं। तो 12 सालों में किसी का आगमन हुआ क्या? कोई प्रतिनिधि आया या विधायक, सांसद, किसी का आगमन इस जगह पे हुआ है? नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी तक नहीं हुआ है, तो नहीं। परेशानियाँ होती हैं, कैसे नहीं होगा जी, बहुत परेशानी होता है, परेशानी होती है। और अगर बात की जाए, जब बरसात का समय होता होगा, बरसात के समय क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हम लोग को बरसात के समय बहुत दिक्कत होता है जी, क्या कि रास्ता में भी पूरा कीचड़ आता है, चलने में भी दिक्कत होता है, और अगल बगल में आस पड़ोस में माताजी सब रहते हैं, उन लोग भी कीचड़ में फिसल के भी गिरते हैं। लेकिन क्या करेंगे, हम लोग का कुछ सुविधा नहीं है, तो कुछ सुविधा सरकार को देना चाहिए जी। सुविधाएं क्या क्या नहीं है आपके यहाँ? हाँ, मेरा यहाँ पानी का सुविधा नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है, और इंदिरा आवास सबको मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ इंदिरा आवास भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सब सुविधा चाहिए ना हम लोग के लिए, जंगल एरिया है, लेकिन सरकार हम लोग को इधर ध्यान ही नहीं देता है, देखिए नहीं रहा है। केवल वोट के समय सरकार आते हैं, बोलते हैं कि हमको वोट चाहिए, हमको वोट चाहिए, हम लोग तो दे देते हैं वोट, लेकिन सरकार घूम के और नहीं देखता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इस बार तो हम लोग बोल दिए हैं सबको कि वोट नहीं देना है। वोट किसी को नहीं देंगी, काहे कि सरकार हम लोग को ध्यान नहीं देता है, तो क्या करें। पानी में जूझ रहे हैं, घर में जूझ रहे हैं, रोड में भी जूझ रहे हैं। हम लोग लकड़ी ढो के जाते हैं बाजार, रामपुर बाजार, वहाँ से लकड़ी अभी बेच के आते हैं, तब हम लोग खाना पानी करते हैं, तो उस सब का सुविधा हम लोग को भी ना चाहिए। कई जो सुविधाएं हैं, और बहुत ही अगर बात की जाए तो जो सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में होनी चाहिए, जिसकी बातें सरकार हमेशा करती है कि हमने तमाम सुविधाएं दी है, लेकिन क्या ये लोग, क्या उनकी आवाम, क्या उनकी जनता, वो उनसे खुश है? जी बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से अपने दर्द को बयां कर रही है ये महिला कि इंदिरा आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए तो वो भी इन्हें नहीं दिया गया है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको बिल्कुल दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी पिंटू को भी कहूँगी कि विजुअल को दिखाए, और ये तमाम जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत, वो टीवी 45 की टीम आप तक पहुंचा रही है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के ये हालात हैं। ये लोग क्या इसी तरीके से ज़िंदगी जीते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल है फिलहाल ये। आखिर जब सरकार के पास जो चुनावी समय होता है, उसी दौरान वो ग्रामीण इलाकों का रुख क्यों करती है? ये लोग उस समय कहाँ रहते हैं जब सरकार या सरकार के जो प्रतिनिधि है वो तख्त पे मौजूद रहते हैं? तो गुस्सा लाजमी है, क्योंकि इन लोगों ने जो परेशानियाँ कई सालों से देखी है, उसे अब ये हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी जो सुनवाई हो वो सरकार के कानों तक पहुँचे। क्या इनकी सुनवाई हो पाएगी? क्या यहाँ पे दोबारा किसी को आने दिया जाएगा? क्या यहाँ पे कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग जो आते हैं, क्या यहाँ सांसद या विधायक का आगमन होगा? सांसद संजय सेठ जी का भी तो आगमन नहीं होगा, और यहाँ पर पुरजोर विरोध करेंगे हम ग्रामीणों, और विरोध भी क्यों ना करें, जिसका एक भी कोई कारण बता देवे जिसका हम लोग विरोध ना करें। हम जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं कि हमारे सुख दुख में, कभी किसी तरह का झंझट दुख में हमको साथ दे, लेकिन साथ देने का तो दूर के बात, उनके दरवाजे पर जाइएगा तो 2 घंटा बैठे रहिएगा तब भी उनका दर्शन नहीं होगा। उनका घर दरवानी करने के लिए हम लोग जाएंगे वहाँ पर? वो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहते हैं, यहाँ के
झारखंड मूल के रहते तो हो सकता है किसी न किसी थ्रू उनसे पहचान होती, जाते आते बैठते उठते हमें भी जानते, वो भी हम उनको जानते, वो भी हमको जानते, तो जिससे हम लोग का एक आपस का तालमेल बना रहता। अब ये तो इनको जानते नहीं हम लोग संजय सेठ कैसे आए यहाँ पे, कैसे टिकट लिए और कैसे जीत गए। हम लोग भी वोट दिए, हम लोग भाजपा के नाम से हमेशा वोट देते आए हैं, वोट देते रहते हैं, चाहे कोई प्रत्याशी हो, हम लोग कोई माने मतलब इतना दिन तक नहीं था। लेकिन देख रहे हैं पिछले 5 सालों से ना संजय सेठ का यहाँ पे एक भी एक रुपया का कोई भी विकास का काम बता देवे कोई, या संजय सेठ अपने मुंह से बोल देवे कि हम लाली क्षेत्र में 1 रुपये का इतना फलाना योजना दिए हैं, तो उनका स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है उनके द्वारा। और अभी जब चुनाव सर पे है, अभी एक आनन फानन में तुरंत में कहाँ से पता नहीं चला, अभी भी हमको लगता है कि उसका कुछ मतलब बना नहीं होगा शमशान सेठ का, अचानक किस तरह से आ गए। एक दिन पहले प्रोग्राम बनता है कि फलाना डेट को शिलान्यास है, मान लीजिए हमारा बीमार आदमी है उसको जाने के लिए रास्ता नहीं है, और जो मर गया उसको जाने के लिए आप सेठ बना दे रहे हैं, वह क्या फ़ायदा है? जो पहले बीमारी से तो आप बचाइए कि आप मारिएगा फिर जलाइएगा, ऐसा होता है? पहले जो बीमार है उसको ना बचाना है हमको, तो यही सब तकलीफ है। तकलीफ गांव वाला का तो इतना है कि मत कही। अभी लोग कहता है कि भारत गांवों का देश है, अब गांव का विकास देखिए, अपने कैमरा से पूरा घुमाइएगा, पूरा रोड देखिएगा, कभी जाते वक्त या अभी जब आए तो ले लीजिएगा, वो रोड में मोटरसाइकिल या साइकिल चलने लायक है ही नहीं। अगर दो गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस कर रही है तो दो गाड़ियाँ जाने के रास्ता नहीं, एक को खड़ी करनी पड़ेगी या दूर पे दूसरा फिर क्रॉस करेगी, इस तरह का हम लोग का परेशानी है। कभी एम्बुलेंस रात बेरात आने में ही चकता है, अगर रात में किसी महिला का प्रसव पीड़ा हो गया तो वो एम्बुलेंस को रात में आने के लिए यहाँ पे सोचना पड़ता है, वो रास्ता के चलते। कोई हम लोग रिजर्व गाड़ी करते हैं पर्सनली, वो गाड़ी वाले भी यहाँ आनाकानी करने लगते हैं आने जाने के लिए, तो कितना दर्द है कितना बताएं। कितने सालों से ये दुख तकलीफ ये दर्द आप झेल रहे हैं आप तमाम लोग? विगत 12 वर्ष पहले ये सिदरौल से टाटा रोड से लाली तक का एक सड़क निर्माण हुआ था, उसके बाद पिछले सरकार में रघुवर सरकार में कुछ होरहाप रोड का रास्ता का काम हुआ था जो 5-6 साल लगभग हो गया, जो भी अब जर्जर का कगार पे है, वो भी चलने लायक नहीं रहा। और ये जो अब सिदरौल से जिसका हम लाली बोले वो तो 12 साल पहले बना हुआ था, अब इस हालत में है रास्ता की उसका, अब तो फिजिकली जब कोई देखिएगा तभी समझ में आएगा, अब यहाँ पे खड़ा होकर देखना तो मुश्किल है। जो गड्ढे हैं वो इस कदर अपने आप बीती ही कह सकते हैं, उसे सुनाते हैं, वो गड्ढे कहते हैं कि मुझ पे मरम्मत करवाई जाए। अगर बात की जाए उस सड़कों की, उस सड़क में हम खुद उस सड़क का रुख करते हुए आए हैं, हम खुद उस सड़क से सफ़र करते हुए ही इस गांव पहुंचे हैं, और इसमें जो तकलीफ़ हुई है वाकई इसे भी हम आपको दिखाएंगे। और लेकिन फ़िलहाल जो ग्रामीण यहां पे मौजूद है, जो लोग यहां पे मौजूद है गांव के लोग, इनकी बात इन्हीं के साथ करते हैं। क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पर? कोनो का सुविधा नहीं है। नहीं है? नहीं है, बाजारों गाड़ियों मने नहीं आवेला। हाँ। तो कहाँ साग सब्जियों नहीं उपजेला, पानियों नहीं, 30 रुपया भाड़ा ले वेला नाम को अथी रामपुर बाजार से। हाँ जून, अरे यहाँ कुछ होकर सुविधा नहीं, खेती न बारी नहीं करी ला, खाली धान भर रोपी ला और अथी सावन भादो ने आनी तो कुछ नहीं। हाँ, तो महिलाएं जो यहाँ पर हैं वो अपनी तकलीफ़ों को बता रही हैं, और भी लोग हैं, चलिए इनका रुख करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताइए क्या तकलीफ है आपको, और सांसद को क्यों आने नहीं दिया गया? रोड नहीं है, कुछ पानी उनी की कोई सुविधा नहीं है, बाजार हाट कुछ जाने घर मन कुछ नहीं, ना इंदिरा आवास मिल रहा है, ना रोड मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सब चीज़ का तकलीफ हो रहा है। अभी वोट हो रहा है तो बोल रहा है कि हमको वोट दो, हमको वोट दो, जब वोट का सीजन आता है तब वोट मांगता है, इंदा समय कोई देखने नहीं आता है, लाली गांव कोई आवे नहीं करता है, इसलिए नाम इसे डर से भाग जाता है सब आदमी। काम वाम का कुछ सुविधा रहेगा हम लोग के पास तब तक कुछ काम करेंगे। देखिए माता जी सब कोई हम लोग सब बहन बैठल रहते हैं, क्या करेंगे? काम रहेगा तबे ना का जाएंगे काम पर। का माड़ भात, आलू चोखा, नमक भात और का खाएंगे? साग झोर,
कुछो नहीं मिल रहा तो कहाँ खाएंगे, ना खेती बाड़ी है ना काम मिल रहा है, कहाँ जाएंगे हैं? कुछो नहीं है हम लोग, हम तो अपने गरीबी है, गरीब हो गए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि गरीब है हम, लेकिन इनके लिए अगर जो काम है, जो सुविधाएं इस गांव में होनी चाहिए वो दिलवा दी जाए, तो हो सकता है कि इनका जो आक्रोश है, इनकी जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं विजुअल पे जो गांव में जो घर है वो घर क्या कहते हैं, ये घर कहते हैं कि अब मुझे भी आधुनिकता की ओर जाना है, अब मुझे भी बदलाव की ओर जाना है, अब मैं भी चाहता हूँ कि मुझ में परिवर्तन करवाया जाए, और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं जो शहरी इलाके हैं उसकी तरीके से तब्दीली मुझ में हो। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उन तमाम चीज़ों को अगर बात की जाए तो दूर दराज तक नज़र नहीं आती। क्या वो नल, ये नल जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो चलता है? नहीं, वही भी खराब हो रहा है। नल खराब हो गया? हाँ, बहुत तबलीग पानी पीने ले भी नहीं मिल रहा है। तो नल खराब हो चुका है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, पानी के ये हम लोग गांव में है कि लाली कोयना टोली में, हम लोग का रास्ता भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, इसीलिए हम लोग लाली गांव को बहुत तकलीफ है। हम लोग कुछ चीज़ का सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, जहां भी चलते हैं तो गाड़ी घोड़ा भी वहां ठोकर है, सबसे बड़ा बड़ा पखल है, उसमें दो गो गाड़ी नहीं चल सकता है, आने जाने का भी रांची वाला का सुविधा नहीं है। उसके बाद कमियाँ उमियाँ जाता है तो रात अंधार को कोई गिर जाता है, कोई किसी ने ठोकर होके लग जाता है, उसमें यहाँ का लाली कोयना टोली का कमी बहुत है, इसलिए कोई अथी नेता नहीं घूम सकता है। जब से रोड हम लोग का नहीं बनेगा उस समय से हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, किसी को घुसने नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगी आप? हाँ, उतना ही बोल के हम दो, किसी को घुसने नहीं देंगे जब तक इस रोड या इस सड़क का निर्माण नहीं होगा, यानी कि किसी भी जनप्रतिनिधि को यहाँ पे आने नहीं दिया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा। जैसे कल विरोध रहा वो विरोध आगे भी रहेगा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल ये उठता है कि राजधानी रांची से बस 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये गांव, जिस गांव की बात की जाए तो इसमें जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं तो नज़र आ ही नहीं रही। हम खुद चौंक चुके हैं कि जब हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की बात करते हैं, वहाँ जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो हालात है वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? यहाँ के जो हालात है ना वो बहुत ही गंभीर हालात हैं। यहाँ का जो जल नल का योजना है वो भी बेकार है। जो जल नल का योजना जो हमारे प्रतिनिधि लोग बनाए हैं, किसी के सभी हरेक के घर में ये बना हुआ है, नल बना हुआ है, लेकिन किसी के यहाँ पानी नहीं जाता है। यहाँ पे यहाँ दो जल नल का योजना बनाया हुआ है, लेकिन दोनों में से किसी में पानी का व्यवस्था नहीं है। पानी का व्यवस्था नहीं है जिसके वजह से अभी ये नल जो है, ये नल भी ख़राब है, जिसके वजह से सभी महिलाओं को पानी लाने में दिक्कत होती है, पीने के पानी के लिए दिक्कत होती है, पीने के पानी के लिए दिक्कत होती है। कभी सुबह में पानी ले गए तो कभी शाम में पानी ले करके जाते हैं, तभी जा कर के पानी या फिर खाना का एक अलग व्यवस्था करते हैं कि आज सुबह में हम लोग जाएंगे पानी लाने के लिए, शाम में आधे लोग जाएंगे पानी लाने के लिए, ऐसा यहाँ का जर्जर व्यवस्था है। तो यहाँ सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए कि यहाँ का जो व्यवस्था है उसको कैसे सुधार करना है और नहीं करना है। और अगर सुधार नहीं करेगा तो हम लोग हर एक कोई भी पार्टी का लोग यहाँ पे अगर आएगा चुनाव प्रचार करने के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, अन्यथा हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हम लोग कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, यहाँ के जनता इतने आक्रोश हैं कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सीधे तौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें आप चेतावनी दे रहे हैं जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दे रहे हैं, मतलब कि अगर आप प्रचार के लिए भेजते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे या फिर पार्टी जिम्मेदार होगी, हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। किसी भी पार्टी को यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टी को घुसने का यहाँ पे कोई हम लोग ये नहीं करेंगे कि समर्थन करेंगे कि फलाना पार्टी आए, फलाना पार्टी को ये करेंगे, किसी को समर्थन नहीं करेंगे।
छोटका बस्ती है हम इनकर बूढ़ी आदमी हम कहाँ जाब हम इन पूजा करे सरकार हम इनके मंदिर बना देव मंदिर के अपन से बनाते हाँ जून अपन से बना थी तो मांग मांग लाना थी होलहोनी बना पा रहा थी सुजुन एखन विद्रोह है का करो चांदा में नहीं है वो थे तो अब छोटका को गांव है का करो बना है नहीं पा रहा थी संबंधित कर दे भाई अब बूढ़ी आदमी जा थी भीख मांगे अब आ चोल को नहीं पा रही थी होलो तब नहीं पा रही थी तो का करब एखन सरकार जिन मदद मांगब को के मांगो इसमें पानी नहीं आ रहा है कब से नहीं आ रहा पानी पानी यहाँ कभी भी नहीं आता है अभी कुछ दिन दो चार दिन से थोड़ा बहुत आ रहा है तो थोड़ा सा केवल एक आध बाल्टी आता है उसके बाद और नहीं इस पूरे गांव में कितने लोग होंगे कितने घर होंगे यहाँ पे लगभग यहाँ पे तो है 20 घर लेकिन बहुत दिक्कत होता है हम लोग को यहाँ पे इसी नल से पानी उन 20 घर में जाता है इसी नल से जाता है लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हालात की यहाँ पानी नहीं है चिलचिलाती धूप और गर्मी के बाद जो ग्रामीण इलाकों में लोग होते हैं वो पानी की दिक्कत से खासा परेशान नज़र आते हैं क्योंकि उनके घरों में पानी नहीं पहुंचता लेकिन ये तमाम जो तमाम चीज़ें आखिर वो लोग कैसे समझ पाएंगे जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां से ग्रामीण इलाकों में आना ही बहुत ही उन्हें परेशानी या दिक्कत का सामना लगती हो पुराना घर ढंस गया पहले मिट्टी के घर बनाए लाएगी तो नहीं देव थी सरकार देवे कि नहीं देवे वोट मांगे आप वोट मांगे आवे ना कि कैसे नहीं आवे हर साल वोट दिए इलाकी हाँ इस बार वोट देंगी क्या वोट तो क्या जान देवे कि नहीं देवे घरे नहीं देवे ला तो आपकी फिर चुनाव ले वोट मांगे आप हाँ तो चुनाव ले वोट तो देवे और घर नहीं देवे तो हले नियो देवे हाँ तो इनका कहना है साफ तौर पे कि सरकार ने मुझे आवास नहीं दिया है और ऐसे में अगर सरकार मुझे आवास देती है तो मैं वोट दूंगी लेकिन के दुई धा तीन धा देवे नार जड़ले ने जड़ थी ऊपरे और हमने नी बना पार्बे कह के सरकार नी देवे ला कि का दिले मन के देवे ना हमने कोना टोली रे कतना दे हैं दिले मन के दू दू बारा तीन तीन बारा इनका ये भी कहना है कि सरकार उन्हें घर दे रही है या प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रही है जिनके पास पहले से ही घर मौजूद है और ऐसे में हमारे पास घर नहीं है हम गरीब हैं और हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है इसीलिए हमें घर नहीं मिल रहा है और सरकार अगर हमें घर देती है तो हम उन्हें वोट देंगे लेकिन अगर सरकार हमें घर नहीं देती है तो हम वोट नहीं देंगे आप देख सकते हैं विजुअल पे ये महिला कितनी मेहनत से अपने घर को बना रही है ये मिट्टी से इस घर को बनाएगी लेकिन जब बरसात होगी तो बरसात के दौरान ये घर फिर से बनाना पड़ेगा हर साल इस घर को इन्हें बनाना पड़ता है किसी भी पार्टियों को यहाँ पे आने से रोक दिया जाएगा अगर वो चुनाव प्रचार में इस गांव का रुख करते हैं तो उन्हें इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम इस गांव के अंदर आने नहीं देंगे जब तक हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं होगा जब तक हमारी जो समस्या है उसका निदान नहीं होगा अब देखने वाली बात है क्या इस गांव के लोग और इनकी जो समस्याएं हैं वो क्या सुनी जाती है क्या इन तमाम लोगों के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं क्योंकि जो आक्रोश कल इन लोगों में नज़र आया जब सांसद संजय सेठ यहाँ का रुख करते हैं इस गांव के लोगों के पास आने के लिए वो तमाम चीज़ों तमाम प्रयत्न करते हैं और इसके बावजूद उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमें जो सुविधाएं हैं यानी सड़क सबसे अहम सुविधा वो यहाँ पे मुहैया करवाई जाएगी तभी हम किसी को आने देंगे वरना हम तमाम जो चुनावी अगर प्रचार में पार्टियाँ निकलेगी तो उन पार्टियों को यहाँ आने से बिल्कुल रोक देंगे अब सबसे फिलहाल जो सवाल है ये भी उठ रहा है कि जहाँ संजय सेठ की बात की जाए उन्हें
पूरे तरीके से रांची सांसद के रूप में सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी जो पुरस्कार है वो दिया गया आला कमान के द्वारा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आला कमान के जो चहेते सांसद संजय सेठ, उनको उनकी आवाम कितना पसंद करती है। बिल्कुल जो ज़मीनी हकीकत जो ग्राउंड रिपोर्टिंग टीवी 45 ने आप तक पहुंचाई, इसमें तमाम जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। इस गांव के लोग खासा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं क्योंकि रांची से महज 40 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है, लेकिन यहां जो सुविधाएं हैं वो पिछले कई सालों से यहां नहीं पहुंची है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है क्या इन तमाम लोगों की सुनवाई होती है, क्या इनके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्या यहां पे सड़कों का सही रूप से निर्माण हो पाएगा। अपने सहयोगी पिंटू सिंह के साथ मैं लीजा सिंह, टीवी 45 के लिए रांची से।